ठीक है, आज से हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, क्या होता है वेक्टर? एक मिनट, ठीक। देखिए, जब आप फिजिक्स में चीजों का मुताला करते हैं तो आपको मुख्तलिफ किस्म की क्वांटिटीज से सामना पड़ता है। आपका सबका मुख्तलिफ किस्म की क्वांटिटीज से पड़ता है, ठीक है। क्वांटिटी, जैसे हमने वेलोसिटी पढ़ी, ये क्वांटिटी है। हमने स्पीड पढ़ी, ये भी एक क्वांटिटी है। हमने एक्सेलरेशन पढ़ा, ये भी एक क्वांटिटी है। हमने मास पढ़ा, ये भी एक क्वांटिटी है। मिकदार है ना, आप उसको नंबरों में जाहिर करते हैं, 5, 20, 50। तो क्वांटिटी को जब आप जाहिर करते हैं, ठीक है, तो वो नंबर्स में जाहिर होती है। अच्छा, बास क्वांटिटीज़ को जाहिर करने के लिए आप सिर्फ दो चीज़ों का सहारा लेते हैं। जैसे मैं मास बयान करना चाहता हूँ, क्या बयान करना चाहता हूँ? मास। तो मैं बोलूँगा 5 किलो आटा। आटे की मकदार में बयान कर रहा हूँ, 5 किलो आटा। मैंने एक तो ये लफ्ज़ लिया कोफिशेंट और ये लिया यूनिट, तो मास की क्वांटिटी जाहिर हो गई, समझ में भी आ गई। पेट्रोल डलवाने गया, मैंने कहा 4 लीटर पेट्रोल डाल दो, क्या बोला? 4 लीटर। तो ये वॉल्यूम की क्वांटिटी है, सही है। फासला अगर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से सदर 17 किलोमीटर के फासले पर है, तो ये मैंने लिखा 17 और ये क्या लिखा? किलोमीटर। ये मैंने किसका डिस्टेंस बताया? डिस्टेंस। तो ये सब क्या है? क्वांटिटीज हैं। जब आप क्वांटिटीज को बयान करते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है? एक तो चाहिए होता है उसका कोफिशेंट या मकदार बताने के लिए नंबर, और एक चाहिए होता है उसकी यूनिट। डिस्टेंस बताया तो मैंने 17 उसका कोफिशेंट बताया, फासला, और किस में बताया? किलोमीटर में बताया, ठीक है। अगर मैं जाके ये कहूँ दुकान वाले से कि 4 आटा दे दो, क्या बोलो? 4 आटा दे दो, तो बात समझ में आ जाएगी उसको? नहीं आएगी ना। तो मुझे सिर्फ 4 नहीं बोलना है, मुझे सिर्फ तादाद नहीं बोलनी है, उसके साथ साथ उसका यूनिट भी बोलना है। तो बास क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनके मुकम्मल इजहार के लिए आपको कोफिशेंट चाहिए होता है और उसके साथ साथ यूनिट चाहिए होता है। लेकिन बास क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनके मुकम्मल इजहार के लिए एक तीसरी चीज़ भी चाहिए होती है, जिसे आप कहते हैं डायरेक्शन। जिसे आप क्या कहते हैं? जैसे मैं आपसे कहूँ ये जो डेस्क है ज़रा इसको धक्का लगाओ, तो आप पूछेंगे सर कितना धक्का लगाए? मैं बोलूँगा 5 न्यूटन। अब फोर्स है ना, फोर्स, फोर्स भी एक क्वांटिटी है। मैंने कहा 5 न्यूटन फोर्स लगाओ, कितनी फोर्स लगाओ? तो आप इस 5 और इस न्यूटन के बाद भी एक सवाल पूछोगे, सर लेके कहाँ जाना है? ऐसे ही है ना, ये सब एक उधर से, एक इधर से, एक उधर से सब धक्का लगाना शुरू कर देंगे। नहीं, सवाल पूछेंगे इसको लेके कहाँ जाना है। तो मुकम्मल बात नहीं हुई, 5 भी बोल दिया, न्यूटन भी बोल दिया, लेकिन फोर्स का मुकम्मल इजहार इन दो चीज़ों से नहीं होता, एक तीसरी चीज़ भी बतानी पड़ती है जिसे आप कहते हैं डायरेक्शन। ये समझ में आ रही बात आपको या नहीं आ रही? मैं अगर आपसे कहूँ इसका नट खोल दें, तो जब आप पाना लगाओगे तो क्या सीधी तरफ घुमाने से नट खुलेगा या उल्टी तरफ घुमाने से खुलेगा? उल्टी तरफ।
तो अब इसकी डायरेक्शन भी होगी, आप अगर सीधा घुमाओगे तो मैं आपको डांटूंगा, ओए ये क्या कर रहे हो, मैंने तो खोलने का कहा है, ये तुम सीधी तरफ क्यों घुमा रहे हो। तो नट पर जब आप फोर्स लगा रहे हो तो उसकी एक डायरेक्शन होगी, खोलना है या बंद करना है, खोलना है तो उसकी डायरेक्शन अलग होगी और बंद करना है तो उसकी डायरेक्शन अलग होगी, ठीक है। तो इस लिहाज से फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटीज जेरे बहस आती हैं, एक वो क्वांटिटीज जिनका मुकम्मिल इजहार कोफिशेंट और यूनिट से हो जाता है, और एक वो क्वांटिटीज जिनका मुकम्मिल इजहार सिर्फ कोफिशेंट और यूनिट से नहीं होता बल्कि उनको बयान करने के लिए तीसरी चीज डायरेक्शन भी चाहिए होती है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, पकड़ पा रहे हैं? ऐसी क्वांटिटीज वेक्टर्स कहलाती हैं, वो सारी मकदारें जिनको बयान करने के लिए अददी कीमत और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ती है, ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। लिख लें, ऐसी मकदारें या ऐसी क्वांटिटीज जिनके मुकम्मल इजहार के लिए अददी कीमत और यूनिट के साथ साथ सिम्त की भी जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, ऐसी मकदारें वेक्टर मकदारें कहलाती हैं या ऐसी मकदारें वेक्टर्स कहलाती हैं। ठीक है, तो अब हमारी ये बात समझ में आ गई, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बयान करने के लिए डायरेक्शन चाहिए और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बयान करने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए। जिनको बयान करने के लिए डायरेक्शन चाहिए उनको कहते हैं वेक्टर्स, और जिनको बयान करने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए उनको कहते हैं स्केलर्स। क्या कहते हैं? स्केलर्स। उर्दू में कहते हैं सिमती मकदारें, और इंग्लिश उर्दू में इसको कहते हैं गैर सिमती मकदारें, गैर सिमती मकदारें। ठीक है, अब जैसे हमारा मास है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, हमारा वॉल्यूम है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, हमारा डिस्टेंस है, ये सब स्केलर क्वांटिटी हैं, इनको बयान करने के लिए आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, आपको पता है ना डिस्प्लेसमेंट किसी मखसूस डायरेक्शन में, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट से बना वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी सिम बताना ज़रूरी है। वेलोसिटी से बना एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन से बनी फोर्स, फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो ये आपको फिजिक्स में इस बात का लिहाज रखना पड़ता है कि आप स्केलर क्वांटिटीज को डील कर रहे हैं या वेक्टर क्वांटिटीज को डील कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, अब बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना चाहिए कि नॉर्मल मैथमेटिक्स में आप स्केलर क्वांटिटीज को प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैं बोलूं 4 किलो आटा और 5 किलो आटा कितने हो गए, तो आप बोलोगे 9 किलो आटा। 4 किलो आटा और 5 किलो आटा 9 किलो आटा। समझ में आ गई बात? आसान सी बात है, जमा आसानी से कर सकते हैं हम।
लेकिन मैं कहूं चार किलोमीटर फासला और पांच किलोमीटर फासला, तो टोटल कितना फासला तय हो गया? आप कहोगे नौ, लेकिन अगर मैं फासला ये वाला ना कहूं बल्कि डिस्प्लेसमेंट कहूं। अब देखो एक आदमी चार किलोमीटर यूं जाता है और आगे पांच किलोमीटर यूं जाता है, तो अपने असल मुकाम से ये चार था और ये कितना था, तो अपने असल मुकाम से कितनी दूर आ गया? नौ किलोमीटर आ गया। लेकिन अगर एक आदमी चार किलोमीटर यूं जाए और पांच किलोमीटर यूं जाए, तो क्या आप अपने असल मुकाम से भी नौ किलोमीटर दूर है? नहीं। देख रहे हैं आप, जब वेक्टर क्वांटिटीज हैंडल होंगी तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसने यहाँ चार किलोमीटर और ये पांच किलोमीटर का, तो हम बोले अब अपने असल मुकाम से वो नौ किलोमीटर दूर है। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो वेक्टर क्वांटिटीज को जमा जब आप करते हैं तो वो नॉर्मल तरीके से जमा नहीं होती, इसी तरह माइनस भी नॉर्मल तरीके से नहीं होती, इसी तरह मल्टीप्लाई भी नॉर्मल तरीके से नहीं होती। समझ में आ रही बात आपको? तो यहाँ से फिजिक्स का एक पूरा शोभा जो है वो डेवलप होता है, जिसको आप कहते हैं वेक्टर एनालिसिस, कि आप जो है वो वेक्टर्स को प्लस करना भी सीखेंगे, वेक्टर्स क्वांटिटीज को माइनस करना भी सीखेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना भी सीखेंगे, और इनका ऑपरेशन जो है वो आप कैसे करेंगे ये आपको अलग से सीखना पड़ेगा। आप मेरी बात पकड़ पा रहे हैं? स्केलर क्वांटिटीज तो बहुत नॉर्मल तरीके से प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगी, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज बहुत नॉर्मल तरीके से प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं होंगी। तो इसीलिए वेक्टर को सारे ऑपरेशंस हमें सीखने पड़ेंगे कि ये प्लस कैसे होते हैं, ये माइनस कहते हो, क्योंकि डायरेक्शन का मसला आ गया ना। एक आदमी चार किलोमीटर ऐसे जा रहा है और पाँच किलोमीटर यूं जा रहा है। अच्छा, पहले कैसे जा रहा था? यूं जा रहा था और सीधा ही जा रहा था। तो पहले वाले केस में तो उसका असल फासला जो उसने टोटल अपने असल मुकाम से कितनी दूरी पर है वो आप बोलोगे 9 किलोमीटर, लेकिन यहाँ आप नहीं कह सकते कि वो अपने असल मुकाम से 9 किलोमीटर दूरी पर है। आप बोलोगे नहीं, 9 किलोमीटर नहीं है। फिर इसमें ये भी मसला आ गया कि कभी वो ऐसे ना जाए, यूं जाए, तो अब क्या होगा? ये भी चार है और ये भी क्या है, पाँच, लेकिन ये वाला फासला कुछ और होगा। तो डायरेक्शन की तब्दीली की वजह से जो फाइनल सूरत हाल है वो बदल रही है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ये वेक्टर क्वांटिटीज आम तरीके से ना प्लस होंगी, ना माइनस होंगी, ना मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, तो हम ये सीखेंगे इस चैप्टर में कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को प्लस या माइनस कैसे करते हैं। अभी तो सिर्फ तारुफ हो रहा है। तारुफ में आपने क्या बात सीखी? तारुफ में आपने ये बात सीखी कि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमारा सामना दो किस्म की क्वांटिटी से होता है। एक वो क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड और यूनिट बता दो तो मसला हल हो जाता है, बात समझ में आ जाती है, वो प्लस माइनस भी आम तरीके से हो जाते हैं। लेकिन एक वो क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड और यूनिट से जिनकी तशरी नहीं होती, बल्कि एक तीसरी चीज भी चाहिए होती है, वो है डायरेक्शन। और ऐसी जो क्वांटिटीज होती हैं वो सादा तरीके से ना प्लस होती हैं, ना माइनस होती है, ना मल्टीप्लाई होती है, ना कोई ऑपरेशन आप उस पर कर सकते हैं। तो हमारा सबका ऐसी क्वांटिटी से बहुत पड़ता है। तो वो क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शंस इन्वॉल्व हो जाए, उन क्वांटिटीज को आप क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। इस चैप्टर में हम वेक्टर क्वांटिटीज के कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। अगली क्लासेस में तो आपको बहुत डिटेल में ये पढ़ना है। याद रखिए कि फिजिक्स को वेक्टर एनालिसिस के बगैर, वेक्टर के तसव्वुरात और वेक्टर के ऑपरेशंस के बगैर फिजिक्स समझना, फिजिक्स पढ़ना मुश्किल है। सही है, इसलिए वेक्टर, वेक्टर के जो टूल्स हैं, वेक्टर्स के जो ऑपरेशंस हैं, उसको बहुत तवज्जो से आपको सीखना है। ये मैं मिटा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे वेक्टर्स की प्रेजेंटेशन, वेक्टर को प्रेजेंट कैसे करते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ, वेक्टर मिसाल के तौर पर ये एक डब्बा रखा हुआ है,
ठीक है, हम कहें इसके ऊपर फोर्स लगानी है, इस पर क्या लगानी है, फोर्स लगानी है 15 न्यूटन की। कितनी न्यूटन की फोर्स लगानी है? 15 न्यूटन की फोर्स लगानी है। तो फिर सवाल ये भी आएगा कहाँ लगानी है, इसको लेके कहाँ जाना है, ऊपर लेके जाना है या इस तरफ लेके जाना है या इस तरफ लेके जाना है। तो हम ये कह रहे हैं जनाब 15 न्यूटन की फोर्स हम लगाएंगे और लेके जा रहे हैं इसको इस तरफ। तो हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं, ये मशरिक है, ठीक है, ये मगरिब है, वहाँ शुमाल है और वहाँ क्या है, जनूब है, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि इस पर हमें 15 न्यूटन की फोर्स मशरक की तरफ लगानी है। तो 15 न्यूटन के लिए कितनी लंबी लाइन खींचें? तो हम बनाते हैं यूनिट स्केल, इसको क्या कहते हैं, स्केल। इसके लिए कि हमारा जो 5 न्यूटन होगा या 3 न्यूटन होगा उसको हम जाहिर करेंगे 1 सेंटीमीटर से। 3 न्यूटन फोर्स को जाहिर किससे करेंगे? 1 सेंटीमीटर से। तो 15 न्यूटन फोर्स कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर से। मैंने यहाँ रखा अपना स्टार्टिंग पॉइंट, तो मुझे लाइन कितनी खींचनी है? 5 सेंटीमीटर। और कहाँ खींचनी है? मशरिक की तरफ। तो मैं यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं ये कहूँगा ये एक फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। ये जो दो डंडे डाल रहा हूँ इससे क्या मुराद है? मैग्नीट्यूड। इसकी मैग्नीट्यूड है 15 न्यूटन और इसकी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं थीटा। डायरेक्शन है मशरिक की तरफ, मशरिक की जानिब। ये समझ में आ गई? तो अब आप देखिए, मैंने फोर्स को दो तरह से जाहिर किया है। फोर्स कितनी तरह से जाहिर किया है? दो तरह से। एक आए फोर्स F है जिसकी मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन है और उसकी डायरेक्शन कितनी है? मशरिक की जानिब है। इसमें ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? यूनिट है। और ये क्या है? डायरेक्शन है। देखें, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो जाहिर हो गई। उसकी क्या जाहिर करने के लिए क्या क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए, यूनिट चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो ये था जनाब आपका। अच्छा, और मैंने इसको ग्राफ से कैसे जाहिर किया? शक्ल में मैंने इसको ऐसे जाहिर किया। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है। कितने कितने लाइन खींचिए? किसके मुताबिक खींचिए? इस स्केल के मुताबिक खींचिए। तो इस तरह से वेक्टर को जाहिर करना कहते हैं कि आप मैथमेटिकली वेक्टर को जाहिर कर रहे हैं, और अगर ऐसे जाहिर करेंगे तो आप कहते हैं ग्राफिकली वेक्टर को जाहिर कर रहे हैं। कैसे जाहिर कर रहे हैं? ग्राफिकली। ये एक वेक्टर है, वेक्टर के ऊपर ऐसे निशान लगा। वेक्टर को जाहिर करने के लिए कोई कैपिटल लेटर्स आप लेते हैं और उसके ऊपर क्या डालते हैं? एक बार का निशान डाल देते हैं। तो अब अगर सिर्फ इसको देखें तो बोले फोर्स 15 न्यूटन की फोर्स एफ से जाहिर की जा रही है जिसकी ग्राफिक शक्ल ये है और मैथमेटिकल शक्ल ये है। ये समझ में आ रही बात आपको? नहीं आ रही? थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में। बात असल में ये है कि जो ग्राउंड पे जो चीज हो रही है, किस पर हो रही है? ग्राउंड पर। उसे आप कॉपी पे बताना चाहते हैं, उसे आप बोर्ड के ऊपर लिखना चाहते हैं, ठीक है? तो ग्राउंड पर होने वाली चीज को बोर्ड पर आप कैसे दिखाएंगे, उसके लिए हम कह रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। समझ में आ रही बात? मिसाल के तौर पर ग्राउंड के ऊपर एक गाड़ी चल रही है, उसका जो निडल है वो 40 पे है। कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी है। और वो जा कहाँ रही है? वो जा रही है शुमाल की तरफ। अब ये तो ग्राउंड पर हो रहा है, गाड़ी शुमाल की तरफ यूं जा रही है ऐसे। उसकी वेलोसिटी क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर। और जा कहाँ रही है? शुमाल की तरफ। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें 40 क्या है? उसकी मैग्नीट्यूड है। किलोमीटर क्या है? उसका यूनिट है। और शुमाल की तरफ जा रही है ये इसकी। अब इसको हमें कॉपी पे दिखाना है।
एक वाकया तो रोड पर हो रहा है ना, गाड़ी जा रही है 40 की स्पीड से, वेलोसिटी से। इस बात को हमें किस पे दिखाना है? बोर्ड पर दिखाना है। तो बोर्ड पर दिखाने के लिए हम फिर स्केल लेंगे। क्या लेंगे? स्केल। कैसे लेंगे? हम बोलेंगे हमारा जो 10 किलोमीटर की वो है वेलोसिटी, वो बराबर है 1 सेंटीमीटर के। तो 40 किसके बराबर होगी? 40 किलोमीटर पर आवर की जो वेलोसिटी होगी वो बराबर हो जाएगी किसके? 4। तो अब मैं 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचूंगा, किस डायरेक्शन में खींचूं? शुमाल की डायरेक्शन में। तो मैं यहां से शुरू करूं, कहां जाऊंगा? ऊपर ना। तो मैं यहां से ऐसे गया ऊपर, एक यहां से, ये एक, ये दो, ये तीन और ये 4। इसका नाम क्या है? वेलोसिटी। इसको जाहिर किससे कर रहे हैं? वी से। ये एक वेक्टर बन गया। और मैथ में इसको कैसे लिखेंगे? वेक्टर वी की मैग्नीट्यूड कितनी है? 40 किलोमीटर। और उसकी डायरेक्शन क्या है? शुमाल की जानेब। कुछ समझ में आ रहा है? उसकी डायरेक्शन है शुमाल की जानेब। ये किस, ये वेलोसिटी को जो रोड पर गाड़ी चल रही थी, ये एक वाकया है ना जो रोड पर हो रहा था, उस रोड पर होने वाले वाकये को आप बोर्ड पर ले आए। तो बोर्ड पर लाने के लिए ये क्या इजहार है उस वाकये का? ये ग्राफिकल इजहार है। और ये कौन सा इजहार है? ये मैथमेटिकल इजहार है। ये बात समझ में आ रही है आपको? देखिए, आप बहुत सारी चीजें जो ग्राउंड पर हो रही होंगी, सूरज हरकत कर रहा है, जमीन हरकत कर रही है, इसको आप कैसे स्टडी करोगे? वहां जाके तो करोगे नहीं। उसको आप कहाँ ले आओगे? बोर्ड पर ले आओगे, कॉपी पे ले आओगे। तो अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको बोर्ड पर लाने का और कॉपी पर लाने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले स्केल डिफाइन करते हैं, डायरेक्शंस डिफाइन करते हैं, उसको जाहिर करने के लिए या तो ग्राफिकल शक्ल बनाते हैं या फिर मैथमेटिकल शक्ल बनाते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी, ये थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत करोगे और समझोगे तो बात समझ में आ जाएगी। नुक्ता आपके जहन में ये क्लियर होना चाहिए कि जो चीजें आप बोर्ड पर लिख रहे हो वो कहीं हो रही हैं, कोई वाकया हो रहा है। सही, उस वाकये को हम कहाँ दिखा रहे हैं? बोर्ड के ऊपर दिखा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहूँ कि एक गाड़ी बनाई है अभी, ठीक है, उसकी ज्यादा से ज्यादा स्पीड जो है 1000 किलोमीटर तक जाती है, उसका एक्सेलरेशन जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। कितना है? यानी जैसी गाड़ी जो है वो मीटर तो 1000 तक का होगा, क्योंकि तो गाड़ी की ज्यादा से ज्यादा स्पीड कितनी है? 1000। तो 1 घंटे में वो कहाँ तक चला जाता है? 50। फिर अगले घंटे में कहाँ चला जाता है उसकी स्पीड? 100। फिर अगले घंटे में कहाँ चली जाती है? 150। इस तरह से अब जब गाड़ी चल रही है तो उसकी स्पीड मुसलसल बढ़ रही है, उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो गया। ये वाकया तो रोड पर हो रहा है, ये वाकया कहाँ हो रहा है? कौन सा वाकया? कि हर घंटे में उसका वेलोसिटी 50 बढ़ रही है, ये वाकया रोड पर हो रहा है। हम उस वाकये को कहाँ लेकर आ रहे हैं? बोर्ड पर। कैसे लाएंगे? सबसे पहले स्केल, कह रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। तो हम ये मानते हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर का जो स्क्वायर का एक्सेलरेशन है वो बराबर है किसके? 1 सेंटीमीटर। तो 50 किसके बराबर होगा? 50 बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही है। अच्छा, फिर हमें ये देखना पड़ेगा गाड़ी जा किस सिमत पे रही है। हमसे कहा गया गाड़ी मगरिब की सिमत में जा रही है। तो अब हमको कितना खींचना है यहाँ से? कितनी लंबी लाइन खींचनी है? 5 सेंटीमीटर की। और किस डायरेक्शन में खींचनी है? मगरिब की डायरेक्शन में। ये मगरिब है ना, यहाँ से चले आप ऐसे यहाँ की तरफ। तो ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 है। क्या ये एक्सेलरेशन? तुमने कहा ये एक्सेलरेशन है, ये जाहिर हो गया ग्राफ से। मैथ से कैसे जाहिर करेंगे? एक एक्सेलरेशन है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये इसका अददी कीमत मैग्नीट्यूड, और ये इसका यूनिट, और उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है?
مغرب کی جانب مغرب کی جانب بیٹے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو واقعہ ہوتا ہے آپ کے روڈ پر کسی جگہ پر اس واقعے کو آپ بورڈ پر اور کاپی کے اندر دکھاتے ہیں ویکٹرز کی فارم میں ویکٹر کی شکل میں یہ ویکٹر کہلا رہا ہے اب آپ کوانٹیٹی تو ویکٹر ہے لیکن اس کو بھی آپ کیا کہتے ہیں ویکٹر یہ گرافیکل اظہار ہے اس کا اور یہ اس کا میتھمیٹیکل اظہار ہے گرافیکل اظہار میں ایک ایرو ہوتا ہے ایرو وہ ایرو فورس کو بھی ظاہر کرے گا وہ ایرو ایکسلریشن کو بھی ظاہر کرے گا وہ ایرو ویلاسٹی کو بھی ظاہر کر سکتا ہے وہ ایرو مومنٹم کو بھی ظاہر کر سکتا ہے جتنی بھی ویکٹر کوانٹیٹیز ہیں ان سب کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کیا بناتے ہیں ایرو اس ایرو میں جو یہ جو ایرو کی ڈائریکشن ہے وہ اس کی ڈائریکشن کو ظاہر کرتا ہے اور ایرو کی لمبائی اس کی میگنیچیوڈ کو ظاہر کرتی ہے ایرو کی لمبائی کس کو ظاہر کرتی ہے میگنیچیوڈ کو اور یہ جو ایرو کا نشان ہے یہ ڈائریکشن کو ظاہر کرتا ہے سمجھ میں آ رہی بات آپ کو بند کریں